नमस्कार शिक्षा मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त साथी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा कल की श्रीकांत शर्मा जी ने कल प्रेस वार्ता में कहा था कि अब शिक्षकों को जो शिक्षा मित्र हैं उनको 3,500 से लेकर के 10,000 कर दिया जाएगा। ये तो बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है शिक्षा मित्रों के साथ। देखते हैं कि अब शिक्षा मित्र क्या निर्णय लेते हैं, लेकिन बहुत सारे अभी मैंने न्यूज़पेपर खंगाले हैं तो उसमें पता चला है कि शिक्षा दूरस्थ शिक्षा के मित्र जो हैं उनके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि हम इसको जोरदार तरीके से विरोध करेंगे और इस पर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अब देखना कि आगे क्या होता है। मैं आपको पूरी बात बता दूं कि हुआ क्या है मामला। कि देखिए, हमारे इन शिक्षा मित्र जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय है, इसके खिलाफ हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। गौरतलब है कि मंगलवार को शाम कल जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें योगी सरकार ने शिक्षा मित्रों को प्रति माह 10,000 रुपये देने का फैसले पर मुहर लगा दी है। इस पर क्या हुआ है कि दूरस्थ बीटीसी संघ के जो अध्यक्ष हैं अनिल कुमार यादव, उनका कहना है कि यूपी के समावेशी शिक्षकों के साथ राज्य सरकार ने बहुत बड़ा अन्याय किया है, इसे हम आजीवन कभी भुला नहीं पाएंगे। सरकार ने संकल्प पत्र तक के वादे पर पूरे नहीं किए हैं। हम शिक्षक हैं, आने वाले समय में हम अपना और अपने परिवार का जीवन गुजर बसर कर लेंगे, लेकिन जो TET परीक्षा पास कर शिक्षक भी बन जाएंगे ये भी। लेकिन भाजपा की राज्य और केंद्र सरकार आगामी चुनावों की परीक्षा निश्चित रूप से पास नहीं कर पाएगी। यह बहुत बड़ी चेतावनी दिया है इन्होंने यूपी के और राज्य केंद्र के सरकार को, भाजपा की सरकार को, कि आने वाली परीक्षा मतलब कि 2019 के चुनाव में भाजपा को बहुत बड़ा संकट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यूपी शिक्षा मित्र जो हैं वो 1,69,000 जो की हैं और वो उनके परिवार वाले अगर एकजुट हो जाएं तो किसी भी सरकार को हिलाने के लिए बहुत ही बड़ा हाथ होगा। मैं आपको बता दूं कि इस पे उन्होंने बात किया है और उन्होंने कहा है कि योगी सरकार ने शिक्षा मित्रों के साथ धोखा दिया है और संयुक्त सक्रिय शिक्षा मित्र संघ के जो प्रदेश संरक्षक हैं दुष्यंत चौहान, उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने शिक्षा मित्रों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। सरकार ने रोज रोज बैठक कर केवल शिक्षा मित्रों को गुमराह किया है। अब हम सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अब देखना है कि आगे क्या होता है, शिक्षा मित्र क्या फैसला लेते हैं इस पे और क्या विरोध प्रदर्शन होता है। फिर से देखिए क्या होता है। मैं तो इस पे दुखी हूँ क्योंकि जिसको 40,000 तनख्वाह मिल रहा था अब उनको 10,000 मिलेगा। कम से कम 20-25,000 भी कर देते तो बहुत बड़ी बात होती। कम से कम उनके जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके घर परिवार गुजर बसर चल रहा था, वो 10,000 से कहाँ हो पाएगी इतनी महंगाई के समय में। तो मैं आशा करता हूँ कि सरकार इसमें कुछ और इसको निर्णय लेना चाहिए था, लेकिन अब जो समायोजित हो चुके थे उनके साथ तो बहुत बुरा हुआ है ये 10,000 दे करके। अब देखना है कि इनके जो संघ के लोग हैं ये लोग क्या करते हैं, क्या निर्णय लेते हैं आगे चल के। कि अब भविष्य के ऊपर निर्भर है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिवस है और वो बनारस जा रहे हैं, तो अगर शिक्षा मित्र के जो भी पदाधिकारी लोग हैं अगर वो उनसे मिल करके और अपने लिए कुछ बात करें तो शायद कोई नया रास्ता निकल सकता है जो कि शांतिपूर्वक हो। मैं भी ये ऐसा करता हूँ, शांतिपूर्वक मिल बैठ करके काम चल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं भी हैं उनको भी विरोध प्रदर्शन में जाना पड़ता है और बहुत गर्मी में धूप में बहुत ही कष्ट उठाना पड़ता है उनको। आदमी तो कहीं भी रह लेता है, काम कर लेता है, लेकिन महिलाओं को बहुत बड़ा कष्ट हो रहा है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये लोग आपस में मिल बैठ करके और सरकार से फिर से दोबारा विचार करने का के लिए अपनी बात करें, प्रस्ताव रखें और मोदी जी केंद्र सरकार से भी अपना दबाव डालने का प्रयास करें तो शायद हो सकता है कोई नया निर्णय आ जाए। यही मेरी शुभकामनाएं हैं सभी शिक्षा मित्रों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो भी अपडेट आएगा मैं अपने इस चैनल पे वीडियो अपलोड करूंगा और उसके थ्रू आप ये सारी चीज़ें जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।